तो आज हम बात करेंगे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में हमें क्या क्या एहतियात करनी चाहिए, और बाय 13 वीक्स बेबी के सारे अज्जा, जिसमें जैसे कि उनके मसल्स हैं, उसके बोन्स हैं, उसके ऑर्गन्स हैं, वो सारे के सारे फॉर्म हो चुके होते हैं, और वो है स्मोकिंग। घर का कोई ना कोई फर्द स्मोकिंग कर रहा होता है, ये भी हो सकता है कि आपका हस्बैंड स्मोकिंग कर रहा हो, ये भी हो सकता है कि आप खुद स्मोकिंग करते हो। बहुत ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं, तो अनपाश्चराइज्ड जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि फीटा चीज़ है, ब्री है, गुड चीज़ है। अर्ली प्रेगनेंसी में जब ऑर्गेनोजेनेसिस यानी कि जब बच्चे के अज़ा बन रहे होते हैं, तो उस वक़्त बहुत ज़्यादा हीट जो है वो बच्चे के लिए ठीक नहीं होती। इलाज मॉल जाके YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने लगे हैं, जो तकरीबन हर लड़की जो कि प्रेग्नेंट होती है, या हर वो फीमेल जो कि कंसीव करती है और वो अपने डॉक्टर को देखती है, तो वो सबसे पहला सवाल यही करती है कि डॉक्टर साहब, अब मुझे ये बताएं कि हमें प्रेगनेंसी में क्या क्या एहतियात करनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में हमें क्या क्या एहतियात करनी चाहिए। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी होता क्या है, या हम ये किस किस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी को फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है टाइम ऑफ कंसेप्शन से, और ये होता है तकरीबन 13 वीक्स तक। अच्छा, इस दौरान बेबी फॉर्म हो रहा होता है, और बाय 13 वीक्स बेबी के सारे अज्जा, जिसमें जैसे कि उनके मसल्स हैं, उसके बोन्स हैं, उसके ऑर्गन्स हैं, वो सारे के सारे फॉर्म हो चुके होते हैं। बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर बच्चे का वज़न तकरीबन 1/2 आउंस से लेके तकरीबन 1 आउंस तक हो सकता है, और उसका जो साइज़ है तकरीबन 3 से 4 इंच का होता है। तो ये तो हो गया टिल 13 वीक्स। अब आप मुझसे पूछेंगी कि आखिर हमें क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि ये स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है, क्योंकि इसमें बच्चे के सारे अज्जा बन रहे हैं, और चूंकि अज्जा बन रहे हैं तो हमें बड़ा ख्याल करना होता है कि हमारी डाइट और हमारी एनवायरनमेंट, हमें हमारे ऊपर कोई ऐसा इफ़ेक्ट ना हो जो कि हमारी प्रेगनेंसी को इफ़ेक्ट करे, या जो बच्चे की नशोनमा पे इफ़ेक्ट करे। तो अब हम आते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। वैसे तो ये चीज़ें हमें तकरीबन सारे ही हाफ्स में अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन जो फर्स्ट हाफ ऑफ प्रेगनेंसी है वो सबसे इम्पॉर्टेंट हाफ है, क्योंकि उसमें ऑर्गेनोजेनेसिस यानी कि बच्चे के अज़ा की फॉर्मेशन हो रही होती है। अच्छा, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हर वक्त तकरीबन हर सेकेंड घर का डिलेमा है, और वो है स्मोकिंग। घर का कोई ना कोई फर्द स्मोकिंग कर रहा होता है, ये भी हो सकता है कि आपका हस्बैंड स्मोकिंग कर रहा हो, ये भी हो सकता है कि आप खुद स्मोकिंग करते हो। स्मोक बच्चे के लिए बहुत ख़तरनाक है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, और इस ये बच्चे की जो फॉर्मेशन है उसको अफेक्ट कर सकता है, और इवन सम स्टेजेस में अगर आपकी बॉडी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड की ज़्यादा मिकदार मौजूद है तो ये इवन बच्चे की ग्रोथ को इतना रिस्ट्रिक्ट कर सकता है कि अंदर बच्चे की डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए अगर आप स्मोकिंग करती हैं तो हम आपको सबसे पहले एडवाइस करेंगे कि आप इसको इमीडिएटली कट डाउन कर दें। अगर आपके पार्टनर या आपके हस्बैंड स्मोकिंग करते हैं तो उन्हें चाहिए कि वो आपके सामने बिल्कुल भी स्मोकिंग ना करें, क्योंकि पैसिव स्मोकिंग उतनी ही ख़तरनाक होती है जितनी कि एक्टिव स्मोकिंग होती है। पैसिव स्मोकिंग से मुराद है कि कोई दूसरा शख्स जो आपके आसपास स्मोकिंग कर रहा हो। अच्छा, अब आप मुझे कहेंगी कि ओहो, हस्बैंड तो जो है वो तो बाथरूम में जाके स्मोकिंग कर लेते हैं, वो तो एक अलग सा पार्ट है, या वो गाड़ी में बैठे होते हैं, मैं तो मौजूद नहीं होती तो वो स्मोकिंग करते हैं, उस वक्त स्मोकिंग कर लेते हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ इस वक्त कि अगर आपके हस्बैंड किसी भी घर के कमरे में, बंद कमरे में स्मोकिंग करते हैं, तो जो हवा है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की तादाद की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आप भी वही बाथरूम या वही कमरा इस्तेमाल करती हैं तो आपके अंदर भी वो कार्बन मोनोऑक्साइड उसी तरीके से जा रही होगी, और वो आपके बच्चे को डैमेज कर रही होगी। इसी तरह अगर हस्बैंड ने गाड़ी में स्मोकिंग की है और आप भी उसी गाड़ी में जाके बाद में बैठती हैं, तो
तो उसके अंदर फिर वो कार्बन मोनोऑक्साइड आपको आपको भी इफेक्ट करेगी। तो पैसिव स्मोकिंग बल्कि बाज़ औक़ात ज़्यादा डेंजरस हो सकती है, इसलिए कि उसमें आपको पता ही नहीं कि कितनी अमाउंट मौजूद है। अब खुद अगर इंसान स्मोकिंग कर रहा हो तो उसको कट डाउन कर देता है, उसको पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा बंदा कर रहा है उसका उस बारे में उसको बिल्कुल ही मालूम नहीं कि इस कमरे में कितने लोगों ने कितनी ज़्यादा स्मोकिंग की है, इसमें कितनी कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद है। तो ये तो हो गया स्मोकिंग। अब हम बात करते हैं अल्कोहल की। ये चूँकि ये वीडियो हर मुल्क में देखी जाती है और ख़ास तौर पे यूरोप और जो बाकी बाहर के ममालिक हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा देखी जाती है, तो इसीलिए मैं इसमें अल्कोहल का भी जिक्र कर रही हूँ। पाकिस्तान में भी कुछ ख़वातीन तो अल्कोहल इस्तेमाल करती हैं, लेकिन ये मैं इसके बारे में इसलिए बता रही हूँ कि अल्कोहल की कंजम्पशन भी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है और ये बच्चे के अंदर एबनॉर्मेलिटीज़ पैदा कर सकती है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में अल्कोहल का इस्तेमाल भी सख्ती से मना है। तो ये तो हो गया अल्कोहल। उसके बाद अब हम आ जाते हैं कि कुछ चंद चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो आपको मालूम होनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं फूड्स की तरफ। हमारे यहाँ बड़ा कॉमनली बारबेक्यू वगैरह इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सी शादियों में भी अगर आप जाएँ तो बहुत बारबेक्यू होता है और भी बहुत सी जगहों पे मतलब बारबेक्यू का बहुत कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर ये मीट अच्छी तरह से पका हुआ नहीं है तो ये आपके लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। बाज़ दफ़ा इसके अंदर ऐसे जर्म्स होते हैं जिनसे आपको बीमारियाँ लग जाती हैं और वो बच्चे की फॉर्मेशन पर इफ़ेक्ट कर सकती हैं। तो हम कहते हैं कि अंडर कुक्ड फूड, रॉ फूड, अंडर कुक्ड एग भी बाज़ दफ़ा बहुत प्रॉब्लम कर सकता है। इसके अंदर साल्मोनेला के जरासीम हो सकते हैं जो कि आपके आपकी प्रेगनेंसी के लिए ख़तरनाक हो सकते हैं। उसके अलावा हम रॉ स्प्राउट्स के बारे में बात करते हैं, उसमें भी ईकोलाई और साल्मोनेला के जर्म्स होते हैं, अगर वो आप रॉ फॉर्म में खाएंगी तो वो भी आपके लिए बहुत डेंजरस है। फिर हम बात करते हैं मछली की। ये एक बड़ा ही कॉमन सा सवाल है जो तकरीबन हर प्रेग्नेंट औरत मेरे से बात करती है कि मैडम मैं ख़ास तौर पर सर्दियों में कि क्या हम मछली खा सकते हैं। हाँ, आप मछली खा सकते हैं, सिर्फ चंद मछलियाँ हैं जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए। उसमें आ जाती हैं वो मछलियाँ जिनके अंदर मरकरी की ज़्यादा तादाद मौजूद होती है, और ये ज़्यादा मछलियाँ जो होती हैं बहुत डिफरेंट मछलियाँ होती हैं, इनका नाम मर्कल फिश होता है या टाइल फिश होता है। उसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं तो अनपास्चराइज्ड जो चीज़ें होती हैं जैसे कि फीटा चीज़ है, ब्री है, गोट चीज़ है, ये भी आपकी प्रेगनेंसी, ये भी आपको कोई प्रॉब्लम कॉज कर सकती है। उसके अलावा अनपास्चराइज्ड जूसेस जो हैं वो भी बाज़ दफ़ा आपकी प्रेगनेंसी के लिए डेंजरस हो सकते हैं। अच्छा, फिर अब हम बात करते हैं प्रोसेस्ड मीट्स की, जैसे कि सॉसेजेस हैं या मतलब आप बाहर का पिज्ज़ा लेती हैं जिसके ऊपर सॉसेज के कट पीसेस लगे हुए हैं, तो ये चीज़ें भी बाज़ दफ़ा प्रेगनेंसी के लिए हार्मफुल होती हैं। अब एक मैं बहुत ही कॉमन से क्वेश्चन पे आ जाती हूँ और वो होता है जो कि तकरीबन हर औरत मुझसे पूछती है कि डॉक्टर साहब क्या मैं चाय या कॉफ़ी पी सकती हूँ। तो चाय और कॉफ़ी जो है इसमें कैफीन की इमदाद की अमाउंट मौजूद होती है, और ज़्यादा अमाउंट पे कैफीन जो है वो बच्चे के लिए ठीक नहीं होती, तो इसलिए हम आम तौर पे एडवाइस करते हैं कि कैफीन को कट डाउन किया जाए प्रेगनेंसी में। एक से दो कप तक तो आप इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन उससे ज़्यादा चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल अच्छा नहीं है। अब कुछ लोग मुझसे ये सवाल पूछेंगे कि हम तो चाय कॉफ़ी हर वक्त लेते हैं, हमें तो कुछ नहीं होता, आखिर हमारे बच्चे को इससे क्या इफ़ेक्ट हो सकता है? तो इसका जवाब ये है कि कैफीन जो है वो आपका हार्ट रेट इंक्रीज करती है, तो इसी तरह से बाज़ दफ़ा ये बच्चे का भी हार्ट रेट इंक्रीज करती है क्योंकि ये प्लेसेंटा क्रॉस कर सकती है और ये बच्चे को इफ़ेक्ट कर सकती है। अच्छा, अब हम एक और चीज़ पे के बारे में बात करेंगे और वो है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अच्छा, एनवायरमेंटल फैक्टर्स में छोटी छोटी चीज़ें हैं। एक तो वो है कि कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि स्वाना, क्या हम हॉट बाथ्स ले सकते हैं, क्या हम हॉट स्वाना यूज़ कर सकते हैं? तो बहुत ज़्यादा हॉट स्वानास और हॉट बाथ्स जो हैं आपको के लिए एडवाइजेबल नहीं हैं।
अर्ली प्रेगनेंसी में ख़ास तौर पे जब ऑर्गेनोजेनेसिस यानी कि जब बच्चे के आज़ा बन रहे होते हैं तो उस वक़्त बहुत ज़्यादा हीट जो है वो बच्चे के लिए ठीक नहीं होती। तो हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि हॉट बाथ्स और स्वानस को अवॉइड किया जाए, क्योंकि हाई टेम्परेचर जो है वो बेबी को अफेक्ट करता है। उसके अलावा एक्यूपंक्चर है और ज़्यादा ज़ोर से बॉडी का मसाज है, वो भी हम अवॉइड करने के बारे में कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं चलते चलते आपको इस वक्त बताती चलूँ कि वो भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि बहुत से घरों में पेट्स रखने का बहुत शौक़ होता है, बिल्लियाँ होती हैं, डॉग्स रखे हुए होते हैं, तो आम तौर पे बच्चियों को पता नहीं चलता वो बिल्ली को गोद में लेके बैठी होती हैं। तो बिल्ली का जो लिटर होता है बाज़ दफ़ा उसमें टॉक्सोप्लास्मोसिस के जर्म्स मौजूद होते हैं, और जो टॉक्सोप्लास्मोसिस है इट कैन उसकी वजह से जो बच्चा है उसके अंदर कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं अगर वो इन्फेक्शन हो जाए। और ये इतनी सटल और माइल्ड इन्फेक्शन होती है कि टॉक्सोप्लाज्मा होने का पता भी नहीं चलता कि कब किसी को हुई है, लेकिन बच्चे के अंदर वो बहुत से बर्थ डिफेक्ट्स कर देती है। तो मैं ये एडवाइस करूँगी कि इस मतलब प्रेगनेंसी के दौरान स्पेशली कैट के लिटर को साफ़ करना या कैट को गोद में बिठाना ये थोड़ा सा अवॉइड करें। शुक्रिया।